सो गैस यूपी में टीजीटी की रिक्वायरमेंट आई है। जाहिर सी बात है, जब कोई रिक्वायरमेंट आती है तो बच्चे के मन में काफ़ी सारा एक डाउट होती है, खास करके न्यू बच्चे के मन में डाउट होती है कि यार इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एंड सिलेक्शन प्रोसेस में दे दिए एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम कब तक होगा, एंड एग्ज़ाम है तो सिलेबस क्या होगा, एंड सिलेबस है तो उसका, और सिलेबस के साथ ही बच्चे कुछ मन में डाउट हो जाती है कि यार इनका सैलरी क्या होगा, एंड बुक कौन सा होगा, बस काफ़ी सारे एक बच्चे के मन में डॉट होते हैं। सो आप लोग मेरे साथ बने रहे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बगाएं, सब्सक्राइब इसलिए करें, मैं कई सारा जॉब अपडेट विद आप लोग के एग्जाम से रिलेटेड में जो भी कुछ होता है हर वो कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। गाइस मैं एक या दो दिन में दो तीन वीडियो और प्रोवाइड करूँगा आपके एग्जाम से रिलेटेड। सो आप लोग टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो जाइएगा। गाइस मैं आपको बता दूँ, अपने फ्रेंड मित्र को जरूर शेयर कीजिएगा। तो कुछ यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है। यहाँ पे मैं बात करूँ ट्रेनर ग्रेजुएट टीचर टीजीटी, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसकी रिक्वायरमेंट है। अगर बात करें यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना है, यहाँ पे 1/2020। और गैस मैं आपको एक बात बता दूँ, कुछ भी प्रॉब्लम है अभी जो भी डिस्कशन करूँगा उसके अलावा कुछ भी प्रॉब्लम है बेहिचक कॉमेंट कीजिएगा, जैसे कि मैं और सबको रिप्लाई देता हूँ एंड आपका भी रिप्लाई दूंगा वीडियो के माध्यम से। सो देखते हैं आगे की ओर। एंड अगर बात करें यहाँ पे जनरल का फीस 750 रुपये, याद रखे गैस जब भी यूपी का वैकेंसी आता है तो एमपी के बच्चे मैक्सिमम होते हैं एंड बिहार के बच्चे मैक्सिमम होते हैं एंड उत्तराखंड, इस तीन राज्य के बच्चे यूपी में बहुत ज़्यादा भर भर के फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिएगा, क्योंकि सर्वर इशू आ सकता है, बट आप लोग रात में फॉर्म फिल लीजिएगा तो नहीं आएगा, क्योंकि बच्चा का ये भी कॉमेंट हो जाता है, इसीलिए मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया। सो 29/10/2020 से आप लोग का फॉर्म भरना चालू हो जाएगा एंड ये आपका एग्ज़ाम ये 27/11/2020 तक चलेगा, बट वैकेंसी बहुत ज़्यादा है तो बच्चे भी बहुत यहाँ ज़्यादा होंगे। और यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे देखिए एक बेनिफिट और है, EWS वाले के 450 रुपया है यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है बस EWS वाले। एंड और EWS के लिए मैं स्पेशल और स्पेशल नहीं, जब मैं कमेंट लूँगा तो उसमें ही आप लोगों को मैं बता दूंगा इसका क्या बेनिफिट आप लोग को मिल जाएगा, काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा यहाँ पे। और अगर इसमें बात करूँ यहाँ पे 30/11/2020 तक एंड एग्ज़ाम एंड एडमिट कार्ड के बारे में आप लोग मेरे साथ बने रहे, मैं लास्ट में अपडेट किया करूँगा। एंड मैं आपको बता दूँ गैस 1/7/2020 का आप लोग का एज लिमिट पूरा जाना चाहिए, मिनिमम 21 ईयर और मैक्सिमम दिया नहीं गया है। गैस एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा जो कि आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में होगा, यानी मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पहले ये मैं आपको शॉर्ट बताऊँ, यहाँ पे 12,913 वैकेंसी, काफ़ी सारा वैकेंसी जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ट्रेनर ग्रेजुएट टीचर के वैकेंसी 641 है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें बैचलर डिग्री विथ आप लोग का रिलेटेड सब्जेक्ट बीएड पास होना चाहिए एंड सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी, ठीक है। हम यहाँ पे बात करें गैस, यहाँ पे हम बात करें ट्रेनर ग्रेजुएट में 841 वैकेंसी है, और यहाँ पे हम बात करें हिंदी अपना अपना देख सकते हैं। अगर मैं एक ही करके बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा था गैस, मुझे मेन होता है कि आप लोग अवेयर करना कि बेसिकली इस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आया है और आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिए, इसके अलावा कोई दिक्कत होता है तो फिर तो मैं होते हूँ साथ देने के लिए। सो कुछ ये है जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे गाइस। और हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आते हैं थोड़ा सा, अगर मैं तो ये कुछ आपका उत्तर ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे गाइस। और मैं अगर वाइस बात करूँ यहाँ पे कि सबसे पहले बच्चे के मन में एक ही डाउट होता है कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है, तो मुझे लगता है काफ़ी सारे ऐसे बच्चे ऑलरेडी पहले से ही जानते होंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि इस वीडियो में मुझे कुछ ज़्यादा कुछ कवर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस मतलब होता है एक एग्ज़ाम छोटा सा लेवल का लेना, देन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो मुझे मालूम है कि सारा बच्चा सारा कॉपी करके ही मतलब एक कुल मिला के सारा क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, ये सब बेसिक बात है, मुझे नहीं लगता है कि बताना होगा कि नहीं। लिखित परीक्षा में जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, जाहिर सी बात है एग्ज़ाम भी होगा, एंड इसे मोबाइल फ़ोन जो ब्लूटूथ वगैरह नहीं ले जाना, ये सब माइनर सी बात है जो आप लोग समझ पा रहे होंगे, पेंसिल वगैरह ले जाना नहीं है उस चीज़ को, आवेदन के कठिनाई के एवं तो यहाँ पे जो भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पे आप कॉमेंट कर सकते हैं, तो आप लोग समझ गए सिलेक्शन प्रोसेस क्या आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। और एग्ज़ाम में आप अब बस कि इसका सिलेबस क्या होता है, तो जी मैं आप लोग को सिलेबस बताने की कोशिश करूँ आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। सो सिलेबस तो अभी तक नहीं आया, बट हाँ आपका सैलरी यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जो आपका सैलरी है गाइस। और यहाँ पे आप लोगों में बात करूँ सैलरी यहाँ पे बात करें तो 3900 से लेके यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सैलरी का, डोंट वरी बहुत 7 ग्रेड पे इसका सैलरी का डोंट वरी, आप लोग सैलरी का टेंशन ना लें। और याद रखिए 1 जुलाई को आप लोग 21 ईयर कम से कम हो जाना चाहिए, अगर आप नहीं हो पा रहे
तो फॉर्म आप मत फॉल कीजिएगा, अदरवाइज आपको सिलेक्शन होने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो बहुत ऐसे बच्चे के सैलरी का टेंशन, दो आप सैलरी तो देख ही सकते हैं यहाँ पे लाख से ऊपर जा रहा है सैलरी, डोंट वरी, टेंशन ये लेगी सिलेक्शन कैसे होना है गाइस, ठीक है। सो बेसिकली आप लोगों का टेंशन ये चीज़ होना चाहिए, न कि टेंशन ये होना चाहिए कि इसमें सैलरी क्या होगा। सो कुछ ये है, एंड हम गाइस बात करें यहाँ पे लिखित, यहाँ पे एग्ज़ाम वगैरह का हर चीज़ दे रखा है। यहाँ मैं बात करूँ जिसमें 500 अंक का प्रश्न पत्र पूछा जाएगा, 125 प्रश्नों का एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन प्रत्येक अंक 4 नंबर का होगा। एंड यहाँ पे बात करें लिखित परीक्षा इतना होगा, एंड यहाँ प्रत्येक बिल्कुल हिंदी में दे दिया गया है गाइस, एंड 500 अंक का एग्ज़ाम होगा। एंड यहाँ पे मैं बात करूँ गाइस मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर मेरे पास प्रीवियस ईयर होगा तो मैं ये भी कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर होगा, एंड 2 घंटे का आप लोग का एग्ज़ाम होगा जो यहाँ पे आप लोग एग्ज़ाम पे देख पा रहे होंगे। एंड एक क्वेश्चन 4 नंबर का ऑलरेडी मैंने डिस्कशन कर दिया। एंड यहाँ पे मैं बात करूँ निगेटिव मार्किंग भी नहीं था ऑलरेडी, मैंने शायद ऋणात्मक अंक नहीं था शायद। यहाँ पे मैं बात करूँ शिक्षकों के लिए यहाँ पे 465 अंक, एंड प्रत्येक प्रश्न अगर बात करें यहाँ पे 3.72 का होगा, इस चीज़ को याद रखें। और मैंने गैस ऑलरेडी जो नेगेटिव अंक वो शायद कुछ और चीज़ का था गैस, नेगेटिव अंक थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो जाता है गैस थोड़ा सा हिंदी पढ़ने में, बट कोई नहीं, वहाँ नेगेटिव अंक था वो किसी और चीज़ का था। यहाँ पे बेसिकली भर्ती प्रक्रिया मतलब होता है सिलेक्शन प्रोसेस, थोड़ा सा यहाँ मुझे प्रॉब्लम होता है, तो डोंट वरी प्लीज, मैं उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी बोलता हूँ। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आप लोग का जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। एंड यहाँ पे मैं बात करूँ निगेटिव मार्किंग वगैरह का, तो यहाँ पे मैं आप लोग को देख के बता सकता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यदि शिक्षक के लिए शिक्षक के द्वारा किए गए अवधि के आधार पर सेवा आधारित निर्वित मतलब वेटेज मतलब अंक दिया जाएगा, एंड एक वर्ष के लिए 1.7 अंक एवं अधिकतम 35 अंक दिया जाएगा, एंड शिक्षक के लिखित परीक्षा के सेवा के अनुसार उसका भी टोटल 500 अंक होगा। यहाँ पे 465 अंक का एग्ज़ाम हो जाएगा लिखित परीक्षा, एंड 35 नंबर का जो भी आपका एक्सपीरियंस है उस बेसिस पे आपको यहाँ पे किया जाएगा स्पेशली फॉर यहाँ पे। और यहाँ पे गैस बात करें मेरिट लिस्ट में आप लोग का लिखित परीक्षा प्लस सेवा आधार दोनों को मिला के आप लोग का यहाँ पे मेरिट लिस्ट बन जाएगा। अब गैस यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे कहीं मुझे नेगेटिव मार्किंग का जिक्र नहीं किया गया है, शायद मेरे ख्याल से वो हो सकता है, बट देखना पड़ेगा, और क्योंकि एक एग्ज़ाम और है आप लोग का वो भी मैं डिस्कशन करूँगा, तो उसमें भी मैं देख के बता सकता हूँ। और यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी के बारे में दिया गया है, एंड चैन का मेरिट लिस्ट ऑलरेडी मैंने डिस्कशन कर दिया। सो कुछ ये था गैस, अब एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा सो हम देखते हैं दोनों का साथ, एक और नोटिफिकेशन लेते हैं। सो यहाँ पे कुछ एक और वैकेंसी है, सो मैं ये भी डिस्कशन करूँगा इसी वीडियो में, ताकि उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस ये भी इसी तरह से है, एंड ये पोस्ट ग्रेजुएटेड वाले के 29/10 और 17/11 सेम है, ताकि मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे और मैं आप लोगों को कम टाइम में बता सकूँ। एंड 30/11 तक बिल्कुल ये सब कुछ सेम ही है। और यहाँ भी एप्लीकेशन फीस 750 है, एंड EWS वाले के लिए यहाँ भी बेनिफिट है 650 यहाँ पे भी है। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके प्लीज़ अपने फ्रेंड मित्र को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और 1/1/7/2020 तक है गैस, यहाँ पे मैं बात करूँ तो 2595 वैकेंसी मतलब यहाँ पे 2595 पोस्ट है। यहाँ पे मास्टर डिग्री विथ रिलेटेड टू सब्जेक्ट होना चाहिए जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ऑलरेडी मैं इसका भी 2 वीडियो अलग से कवर करूँगा गैस, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, और मैं जितना जल्दी हो सके मैं कोशिश करूँगा आप लोग के लिए इतना जल्दी वीडियो ले आ पाऊँ। और अपना देख सकते हैं पोस्ट वाइज जिसमें कितना कितना वैकेंसी है, हिंदी में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा वैकेंसी हिंदी में ही है, एंड मैथमेटिक्स होम साइंस इकोनॉमिक्स हिस्ट्री आर्ट्स सिविल्स ज्योग्राफी वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ जाते हैं, ये कुछ आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आप देख सकते हैं, बिल्कुल सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है, सेम एग्ज़ाम प्रोसेस वगैरह यहाँ पे कुछ सेम है। और यहाँ पे हाँ यहाँ पे देखिए विज्ञापन जो पोस्ट है वो घट और बढ़ दोनों सकता है जो नोटिफिकेशन में दे दिया गया है, सो डोंट वरी। एंड भाषा संबंधित आपका हिंदी प्रश्न पत्र हिंदी संस्कृत और इंग्लिश में आप लोग का, एंड उर्दू में प्रश्न पत्र हो सकता है, जो आपका क्वेश्चन है हिंदी उर्दू संस्कृत में भी आप लोग का हो सकता है, सो डोंट वरी, उसके लिए आप टेंशन ना लें, मैक्सिमम बच्चे हिंदी में ही होंगे और कुछ परसेंट के में थोड़ा सा इंग्लिश हो सकते हैं, बाकी सब कुछ सेम है। और मुझे नहीं लगता है कि इसमें से आपको सिलेक्शन प्रोसेस इसमें भी एग्ज़ाम होगा, एंड इसमें भी निगेटिव मार्किंग हो सकता है गाइस। और मैं देखूँ यहाँ पे अगर सिलेक्शन प्रोसेस में आऊँ तो ऑलरेडी मैंने ये सब डिस्कशन कर चुका हूँ, और इसका मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ जाऊँ।
आयु सीमा इसका 1/2020 तक 21 साल हो जाना चाहिए। सैलरी की बात करें 47,600 से लेके 1,00,000 थोड़ा सा ज़्यादा है। लेवल भी यहाँ पे बात करें तो 8 है लेवल ऐड के तहत आप लोग का, बाकी ST SC तो आरक्षण आप लोग को दिया जाएगा। वेक्तांश मैंने ऑलरेडी जो अभी आपका ये अब यहाँ पे देख सकते हैं जो परीक्षा केंद्र है तो वो तो आपका UP ही होगा। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में आप लोग देख पा रहे होंगे कि पद यहाँ पे है भर्ती प्रक्रिया मतलब सिलेक्शन लिखित परीक्षा के साक्षात्कार के आधार पे संख्या इतना और इतना फरवरी को, ठीक है। उत्तर प्रदेश प्रक्रिया बोर्ड यहाँ पे मैं बात करूँ तो लिखित परीक्षा 85% अंक होगा एंड यहाँ पे 10 साक्षरता एवं जो निम्नलिखित विभाजन एवं सामान्य ज्ञान में 4% अंक अपने व्यक्ति, ठीक है, व्यक्तित्व परीक्षण में 3% एंड व्यक्तित्व व्यक्ता में 3% अंक यहाँ पे कुछ ये सब आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। गैस अगर मैं एक चीज़ बताने की कोशिश करूँ सबसे ज़्यादा तो बेस्ट चीज़ ये है 425 नंबर और 50 साक्षरता पे एंड ये आप लोग का विशेषता युक्त जो डॉक्टर ये जो भी BEd वगैरह और यहाँ पे मैं बात करूँ तो भी मतलब 25 अंक उसको दिया जाएगा जिसके पास एक्स्ट्रा मतलब जिसे नेशनल लेवल खेल कूद प्रतियोगिता टीम वगैरह का है तो उन्हें दिया जाएगा। कुल 500 नंबर का आप लोग का एग्ज़ाम होगा जो यहाँ पे भी सेम है और बिल्कुल यहाँ पे 400 नंबर एक्सपीरियंस एंड 3.2 का होगा एंड यहाँ पे मैं बात करूँ तो 3.4 का होगा 425 अंक होगा बिल्कुल सेम कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं 425 होगा 2 घंटा का प्रश्न है MCQ होगा बिल्कुल कुछ भी अलग नहीं है इसीलिए मैंने सोचा ये दोनों को एक ही वीडियो में कवर करूँ। वैसे मैं बता दूँ यहाँ भी मेरिट लिस्ट कुछ ऐसे ही बनेगा इस दोनों को जोड़कर प्लस आपका मेरिट लिस्ट बन जाएगा। इसके अलावा मैं 12 लोग को भी प्रॉब्लम बेचक कॉमेंट किसी मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा मैं जैसे कि और उसको रिप्लाई देता हूँ। वैसे मैं आपको बता दूंगा इसकी अब बसता कि एग्ज़ाम कब तक होगा तो देखो गैस इसका एग्ज़ाम अगर हर चीज़ सही रहा तो 3 मंथ के अंदर अंदर हो सकता है अगर हर सिचुएशन सही रहा तो अदरवाइज थोड़ा सा लेट भी हो सकता है। अब आता है कि सर इसका एग्ज़ाम और मैं बोलता सर कटअप क्या हो सकता है तो देखो गैस इसका कटअप में बात करूँ बार बार अगर आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है तो 70% अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर 70% इसमें तो बहुत ज़्यादा क्राउड आपको देखने को मिल जाएगा क्योंकि यहाँ MP और उत्तराखंड और बिहार के बच्चे मैक्सिमम होंगे भर भर के बच्चे होंगे तो वहाँ भी 70% एटलीस्ट अगर आप ला रहे हैं या आप पुराना कटअप भी देख सकते हैं जो मेरे पास ऑफिशियली नहीं था बट कुछ एवरेज इतना ही जाता है जो आप देख सकते हैं फिर आप मुझे बता सकते हैं नहीं सर आप लगभग मैं बता रहा हूँ अगर आप इतना ला रहे हैं तो सेफ जोन में अदरवाइज यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने की चांस कम हो सकता है गाइस, ठीक है। सो कुछ आज के लिए बस यही था। इसके अलावा मुझे लगता है कि मैंने हर चीज़ डिस्कशन किया हूँ। इसके अलावा भी कोई भी प्रॉब्लम बेहिचक कमेंट कीजिए मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। सो थैंक यू बाय बाय हैव अ नाइस डे।